कितनी प्यारी जगह है गाइस और एकदम साफ। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं वंडरर तुषार ब्लॉग। हम लोग केदारनाथ के दर्शन करके आ गए थे और हम लोग दोबारा से आ चुके हैं सारी विलेज, जो कि मैं पिछली बार भी आया था जब मैं तुंगनाथ दर्शन के लिए गया था, तो मैं उसी होटल में रुका हूँ और हमें फिर दोबारा से उसी भाई ने रुका है, वो आपको पीछे दिख रहा होगा हमें, तो आज ये हमारे साथ ही है। आज हमारा प्लान था लेकिन तुंगनाथ में, मैं आपको दिखाता हूँ तुंगनाथ मंदिर वहीं पर है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मौसम बहुत ख़राब है, इसीलिए आज हमने वहाँ पर जाने का प्लान कैंसिल किया है। और आज हमने सोचा है कि आज हम देवरी ताल विजिट करेंगे। तो देवरी ताल कौन सी जगह है बहुतों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता तो वीडियो पूरी देखना, मैं वो जगह आपको दिखाऊंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा भी। अभी हमारा नाश्ता हो रहा है तो पहले नाश्ता एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइज ये है हमारा होटल और ये आप ऊपर से रास्ता देख रहे हैं, तो यही है देवरी ताल का रास्ता। हम लोगों ने अपने ट्रैक की शुरुआत कर दी है। देवरी ताल का ट्रैक हमारा होने वाला है कम से कम, कितना होने वाला है भाई? 3 किलोमीटर होने वाला है। तो आज हमारे साथ अमित भी है, तो मैं आपको पहले इससे मिलवाता हूँ। ये मेरा बहुत बढ़िया भाई है, ये मेरी बहुत हेल्प करता है और पिछली बार भी आया था तो इसने बहुत अच्छे से यहाँ पर मेरे को रुकवाया था और इस बार ये मेरे साथ ही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक लोकल बंदा अगर आपके साथ हो ना तो बहुत बढ़िया रहता है, जिससे कि आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि आज आपको मिलने वाली इस व्लॉग में। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना, तो हम अपने ट्रैक की शुरुआत करते हैं। आपको पूरा रास्ता ऐसा ही मिलने वाला है और कोई भी सीमेंटेड रोड नहीं है, तो आपकी ट्रैकिंग इसी रास्ते से होने वाली है, तो काफ़ी बेस्ट लग रहा है मुझे ये ट्रैकिंग के लिए। तो गाइस मैं थोड़ा सा ही ऊपर आया था और यहाँ पे सीन देखिए आप कितना मस्त लग रहा है। मैंने पिछली बार ये नज़ारे मिस कर दिए थे क्योंकि हम सुबह ही यहाँ से निकल गए थे, तो लेकिन आज हम भरपूर मजा लेंगे इन पहाड़ियों का और इन नज़ारों का। तो चलिए, बहकी सभी जुबां हैं हम हैं हजारों में। तो आपको इस ट्रैक की शुरुआत में और बीच में भी आपको होटल्स मिल जाएंगे, सब इंतज़ाम मिल जाएगा आपको। तो ये एक मेन ट्रैक है, अगर आप इस साइड आते हो तो चोपता और देवरी ताल का ट्रैक ज़रूर कीजिएगा। ट्रैकिंग के मामले में ये दो ट्रैक बहुत बढ़िया हैं, बाकी तो धाम के जो ट्रैक हैं वो तो अल्टीमेट है ही। थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आपको एक मंदिर दिखेगा, तो ये भी भोलेनाथ का ही मंदिर है। नज़ारा देखो भाई, हमारे तुषार भाई की थोड़ी हालत ख़राब हो रही है, लेकिन भाई हिम्मत नहीं हारेगा ना। बहकी सभी जुबां हैं हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं पहले स्टॉप में, तो कम से कम हम 500-600 मीटर आ चुके हैं। ये पहला स्टॉप है, आप यहाँ पे बैठ के रेस्ट करो, कुछ रिफ्रेशमेंट ले लो और इसके बाद आगे चलो। तो रूम भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे बढ़िया है, मतलब सब इंतज़ाम है आपका ना। हम यहाँ लॉन्डो के लिए बोल रहे हैं कि बेचारे थक गए हैं और यहाँ लाइव बैठे हैं, ये देखो। जरा भाई जी को दिखाओ, भाई जी एक्टिंग कर रहे थे, पूरी एक्टिंग। तो थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद दोबारा से हम लोग चार्ज हो गए और चलते हैं ऊपर की ओर, और अब थोड़ी फटाफट चलते हैं, बहुत ही धीरे चल रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पूरे ट्रैक में आपको धूप मिलेगी, बीच बीच में पेड़ हैं और हवा बहुत अच्छी चल रही है, तो 2 मिनट का अगर आप रेस्ट ले रहे हो तो आपकी थकान पूरी दूर हो जाएगी। ये रास्ता मिला है और यहाँ पे पूरे पेड़ हैं, तो काफ़ी मस्त सीन है। रास्ता दिखाओ भाई हमारी ऑडियंस को।
तो पूरी छाया से ढकी है और ठंडी हवा चल रही है, मजा आ गया, जोश वापस आया जा रहा है। आप मेरे फेस में पसीना देख सकते हैं, मेरे को लग रहा है मेरे इस बार की ट्रिप से मेरा 10-12 केजी कम हो जाएगा, और ठीक भी है, बहुत मोटा हो रहा था मैं। तो ये है आपका दूसरा स्टॉप, हम अभी कम से कम 1.5 किलोमीटर आगे आ गए हैं, तो थोड़ा ज़्यादा आगे उससे। तो ये आपका पीछे दूसरा स्टॉप है, लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर बैठेंगे। हमारा ये सेकंड रेस्ट पॉइंट, हम यहाँ पे थोड़ी देर 5-10 मिनट का रेस्ट लेंगे, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारा शॉर्टकट है, और यहाँ से जाएंगे तो हमारा जो रोड है वही है। वो जो टापू सा दिख रहा बुग्याल, अगर इन वाला बुग्याल अगर देख पा रहे हैं आप, तो रोड वहीं से आएगी देवरीताल के लिए आएगी, तो इधर से क्यों नहीं आएगी, नीचे से नहीं आएगी ना, चढ़ाई होगी। अच्छा उधर उधर से इसने वो जगह इसलिए दिखाई, ये वहाँ पे शूट करने गया था, तो हमारे अमित भाई की एक वीडियो भी थी। बता अपनी वीडियो के बारे में। चल यार सर, ये तो सर आ गया, तो मैं ही बता देता हूँ। तो एक गढ़वाली एल्बम है, नाम क्या है? छुई क्या लगो। उसका मीन्स है मैं क्या बताऊँ अपने गांव के बारे में। तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, तो आप देख लेना, बहुत प्यारी वीडियो है और अच्छी बनाई है, बहुत काफ़ी मुझे पसंद आई थी। ऊपर आने के बाद आपको ये छोटा सा होटल मिलेगा, गांव टाइप का, आपको पूरा फीलिंग आ जाएगा। बट अभी ये बंद है, और हमारा जो रास्ता है अभी थोड़ा सा और ऊपर है, तो आगे चलते हैं। गाइस आप लोग तब से सोच रहे होंगे कि देवरीताल जगह कौन सी है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी ताल टाइप है, और उसे देवरीताल इसे कहा जाता है क्योंकि पहले वहाँ पे देवता अपना स्नान करने के लिए आते थे, इसलिए उसका नाम देवरीताल है। वो दूर एक भैरवनाथ का मंदिर है, जैसे अमित बता रहा है, इस गांव का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और सबसे ताकतवर भैरवनाथ। जय भोले, जय भैरव। भैया प्रणाम, आते हैं आते हैं भैया। अभी हमारा जो देवरीताल है 300 से 400 मीटर रह गया है, और शॉप भी है यहाँ पे, तो बीच में आपको शॉप मिलती रहेंगी और ऐसी छांव वाली जगह भी मिलती रहेगी। हाँ क्या हवा चल रही है यार, मज़ा आ गया। तो गाइस देवरीताल के पास आने के बाद आपको पहले आप ये पढ़ लीजिए, परिसर में आग जलाना और टेंट लगाना सख्त मना है, और इसमें जुर्माना भी है, तो यहाँ पे आप अपना कैंप नहीं लगा सकते। एंट्री फी मैं आपको दिखा देता हूँ, 150 रुपये, फॉरनर के लिए 600, और कैमरे का भी यहाँ पे चार्ज है, अगर आप डिजिटल कैमरा लेके आते हैं प्रोफेशनली तो 500 रुपये इंडिया वालों के लिए है, फॉरनर के लिए 1500 है। गाइस ये हमारे सामने देवरीताल, कितना ही सुंदर नज़ारा लग रहा है, और कमेंट करके पक्का बताना कि आपको ये नज़ारा कैसा लगा, और मन खुश हो गया भाई यहाँ के। थैंक यू नेगी भाई यहाँ लाने के लिए यार, और यहाँ पे पूरी चारों तरफ ही नज़ारे ही नज़ारे हैं गाइस। आहा, और मौसम भी बहुत कमाल का हो चुका है, मन खुश हो गया आके, जितनी थकान लगती थी सब मिट गई। अभी हम यहाँ से आगे जाने वाले हैं, तो थोड़ा आगे एक्सप्लोर करते हैं इसके। ये दो रास्ते हैं, तो यहाँ से ऐसे अगर आप जाओगे वाले रास्ते में, तो ये आप वो झील के उधर से आओगे, लेकिन हम अभी ऊपर जा रहे हैं, जैसे नेगी भाई बता रहे हैं कि ऊपर टावर है, तो उस टावर को देखते हैं। सच में यहाँ पे आके मन खुश हो गया, और अब बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं है यहाँ पे आगे, तो आगे तक भी पूरा ठीक रास्ता है, तो मज़े से घूमते हैं यहाँ पे।
और आप लोग पक्का कमेंट करके बताना आपको ये जगह कैसी लगी। जब मैं पिछली बार यहाँ पे नवंबर में रुका था तो मुझे बोला था कि देवरिया ताल चल जाना, लेकिन मेरे को टाइम नहीं लगा गाइस, इसलिए मैं आ नहीं पाया। तो चलो टावर भी आ गया, अब चलते हैं टावर के पास। और ये मेरे पीछे देवरिया ताल देखो गाइस, क्या मस्त लग रहा है यार, वाह मज़ा आ गया। आजा भाई। और ये बेचारा थक गया है बट फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा है, आए जा रहा है। आजा भाई आजा, पहुंच गए। तो मानना पड़ेगा इसको भी, इसका भी फर्स्ट टाइम था केदारनाथ, बट ये भाई मेरा साथ देता ही है जहाँ भी मैं जाता हूँ, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ इसका। पहुँच चुके हैं टावर पे। तो टावर कुछ ऐसा है, और टावर इसलिए कहा जाता है, वैसे तो ये टावर है बट वहाँ पे मोबाइल के टावर भी वहीं आते हैं। यहाँ का जो पूरा विजन है वो ब्लॉक हो चुका है क्योंकि मौसम थोड़ा सा फॉग वाला हो गया है, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी थोड़े से ये पहाड़ दिख रहे हैं, तो यहाँ से आपको सारी पहाड़ियाँ दिखती है। बाकी कुछ नज़ारा यहाँ का ऐसा है। तो अभी नेगी देखिए ऊपर जा रहे हैं, तो हम भी ऊपर चढ़ेंगे अभी भाई, हम भी आ रहे हैं। ऐसा बेहतरीन नज़ारा मिलेगा आपको, पकड़ते। और थोड़ा पानी प्यास लग रही थी, पानी भी अभी ख़त्म हो गया है, ख़त्म कर दिया हमने पी के, इसलिए हम टॉफ़ी खा रहे हैं। आपके लिए हम कुछ ऐसे नज़ारे लाए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब नीचे जाने की बारी है, तो चलते हैं नीचे और आपको झील की वो ताल की थोड़ी सी सैर कराते हैं। गाइज ये सामने आपको पानी के बीच में कुछ दिख रहा होगा, तो ये सिंगाड़ा है, ये नाक वाला सिंगाड़ा नहीं है, ये खाने वाला सिंगाड़ा है। तो लेकिन इसे अब निकाल नहीं सकते, और ये पूरी नदी में है, तो काफ़ी बढ़िया है। एक अंकल जी से मिलवाता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अंकल जी आपका नाम? दिनेश सिंह, ग्वालियर से। आप ये देखिए, अंकल जी को हमने केदारनाथ में भी कैप्चर किया था, तो अंकल जी हमारे साथ डोली के साथ थे, और अंकल जी ने बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं। संकल्प करो हम कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, उसे कूड़ेदान में ही डालेंगे। तो गाइस प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना और इस चीज़ का पालन करना। और सच में बहुत ही अच्छी बात लिखी है इसके पीछे कि आप जो भी कूड़ा है कूड़ादान में फेंकिए, तो इससे क्या है कि जो भी ऐसी जगह है, ये नेचुरल एकदम मस्त जगह है, ये नेचर वाली, तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसलिए बहुत बढ़िया जो है अंकल जी काम कर रहे हैं। तो अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यूथ को और पूरी दुनिया को ऐसा एक संदेश दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। जय बाबा केदारनाथ, बहुत अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अंकल जी वैसे आप अभी पूरा घूमेंगे? हाँ, मैं पैदल ही ट्रैक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और पैदल डोली यात्रा के साथ में गया था। जी जी। और अभी यहाँ से हमारी पैदल ट्रैक है, मक्कू मठ जाऊंगा। अच्छा अच्छा। और फिर कार्तिकेय स्वामी पहुँचूंगा। अच्छा अच्छा। तो ये पूरा क्षेत्र देखते हुए उतरूंगा। जी जी। तो प्रकृति का आनंद लेते हुए। मजा आता है ना अंकल जी ऐसे? बहुत ही सुंदर है नहीं? इसे पृथ्वी का स्वर्ग कह सकते? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। ये जो कहते हैं लोग स्वर्ग कहाँ है? हाँ जी हाँ जी, स्वर्ग यही है, यही है। और अंकल जी सबसे मेन बात कि पहाड़ों में आपको ऐसी लेक मिल रही है, ऐसी ताल सुंदर धीर। हाँ। और ऐसा वातावरण शांत। हाँ जी, बहुत ही अपने आप को हेल्दी बना देता है। हाँ जी हाँ जी, खुद ही मन खुश हो जाता है अंकल जी, है ना? बहुत तो, बहुत अच्छा लगा अंकल जी आपसे मिलके, तो आशा है आपसे आगे भी मिलते रहेंगे, मुलाकात होती। हाँ जी हाँ जी अंकल जी, थैंक यू अंकल जी, बहुत ही जल्दी दूसरी मुलाकात होगी। जी जी, बहुत जल्दी अंकल जी, थैंक यू अंकल। देख लिया आपने अंकल जी कितने चुस्त दुरुस्त है, और अंकल जी का चुस्त दुरुस्त रहने का कारण यही है कि अंकल जी पूरा ट्रैवल करते हैं और पैदल ही यात्रा करते हैं, तो बहुत ही हिम्मत की बात है। आप एज देख सकते हैं उनकी, तो इनको देख के मेरे मन में भी बहुत ज़्यादा जोश आ गया है। तो गाइस मौसम देखिए अभी कुछ ऐसा हो चुका है, और हल्की हल्की बारिश होगी, तो हम अब जा रहे हैं उधर की साइड जहाँ से हम आए थे। तो ये देखिए रास्ता कितना ही प्यारा है, आपको यहाँ पर बुरास के पेड़ भी दिखेंगे। चलो भाई, ये नज़ारा मिलेगा ताल के किनारे से जाने पे,
और जो यहाँ मौसम हो गया ना काफ़ी बढ़िया हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा ठंडा हो रहा है लेकिन इतना फील नहीं हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम से अगर कोई ऐसी लंबी ट्रिप लगेगी तो मैं पक्का लैपटॉप लेके जाऊँगा और एडिटिंग भी साथ साथ कंटिन्यू रखूँगा, जिससे कि मुझे अभी घर जाके इतना प्रेशर ना पड़े। जितने भी दिन की क्लिप्स है सब वो ट्रांसफ़र करो, फोल्डर्स बनाओ, तो बहुत ज़्यादा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि क्या से क्या करें, इसलिए वीडियो एडिटिंग में भी थोड़ा टाइम लग जाता है और वीडियो आने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम से अब क्यों ना लैपटॉप साथ में ही लेके आया जाए। वापिस से हम लोग उसी जगह पे आ चुके थे जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी, तो मैं आपको इधर का एरिया दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एरिया में आपको कुछ पेड़ मिल जाएंगे और ये जगह काफ़ी सुंदर लग रही है, यहाँ पे आप बैठ के आराम से चिल मार सकते हैं। तो आगे आने के बाद कुछ ऐसा नज़ारा है, देखिए चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और एकदम छाया, और वैसे मौसम अभी बहुत रंगीन और हसीन हो चुका है, सो मस्त लग रही है जगह, मौसम ये सही किया है वैसे ना, एक ही जगह यही था हमारा देवरिया ताल। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना, इतनी प्यारी जगह है गाइस और एकदम साफ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। जैसे अंकल जी ने बताया था ना, ऐसी जगह में आके ना मन खुश हो जाता है। यहाँ पे बारिश हो चुकी थी तो हम अभी पेड़ों के नीचे खड़े हैं, तो इन पेड़ों के नीचे खड़े होने गाइस इन पेड़ों के नीचे खड़े होने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, पर बारिश तेज़ ना हो जाए इसलिए हम निकलते हैं और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कर देना और शेयर कर देना सभी के साथ। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर।